भारत की सारी श्रेणी आप याद रखेंगे क्योंकि कहीं पर भी आपसे वोकैबुलरी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया तो आप आंसर दे पाएंगे। रेड रैप बेचने के सामान कहां से आ रहा है? अड़ोस पड़ोस के स्टोर से आ रहा है। हालांकि पहले समय में क्वेश्चन पूछा गया तब नहीं पूछा गया क्योंकि हल्का क्वेश्चन है। इसको ऐसा लगता है कि खुद ही रेड रैप में फंस गया और जो पैसा है वो इसके लिए बेट का काम कर रहा है। बेट का मतलब तो समझते हो चारे का काम कर रहा है। अभी परेशान सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार ह्यूमैनिटीज अड्डा 24/7 पर। मैं आपका इंग्लिश का एजुकेटर आदित्य भैया आप सभी का स्वागत करता हूं। आज जिस चैप्टर को हम पढ़ने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है द रैट ट्रैप, जिसे लिखा है सलमान लेगरलॉफ ने। और आज हम इसके फ्लो चार्ट को देख रहे होंगे जिसकी मदद से आपको की पॉइंटर्स मिल रहे होंगे, कीवर्ड्स मिल रहे होंगे और आपको कंप्लीट रिवीजन मिल जाएगा इस चैप्टर का, वो भी कम से कम समय में। आइए सबसे पहले हम इस चैप्टर की थीम के बारे में बात करते हैं। तो जो चैप्टर की थीम है वो हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड बताती है कि भाई साहब जो एसेंशियल गुडनेस है इंसान के अंदर की उसे जागृत किया जा सकता है। अगर कोई इंसान भले गलत कामों में लिप्त हो गया है तो भी उसे जागृत किया जा सकता है सिर्फ दो चीजों से, अंडरस्टैंडिंग, आप उसे समझिए और स्नेह दीजिए, प्यार दीजिए, लव दीजिए, उसके बाद आप किसी की भी एसेंशियल गुडनेस को जागृत कर सकते हैं। आइए अब बात करते हैं इसके कुछ कैरेक्टर्स की। आप सभी जानते हैं कि किसी भी चैप्टर के प्रोटैगोनिस्ट और कैरेक्टर्स के बारे में जानना बहुत जरूरी है। क्यों? उसी के माध्यम से आप पूरे के पूरे प्लॉट, पूरे के पूरे एटीट्यूड को समझ पाते हैं, चैप्टर लिखने वाले की मनोदशा को समझ पाते हैं। और आपसे अगर टोन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूछा जाता है भैया फैक्ट है कि ओपिनियन है कि भैया प्लॉट पॉइंट है, तो आप बता पाते हैं उन क्वेश्चंस का सही आंसर। आइए देखते हैं कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं। एक तो यहां पर पेडलर है, दूसरा हमारे ओल्ड मैन है जिनको क्राफ्टर बोला गया है, तीसरे हमारे मास्टर स्मिथ हैं, हेल्पर्स हैं भैया मिलके ब्लैक स्मिथ है और उनका एक और हेल्पर है, साथ के साथ आयरन मिल के ओनर है जिन्हें आयरन मास्टर बोला गया है और उन्हीं की लड़की है एडला विलमैनसन। अब इन लोगों के नाम तो हमने जान लिए लेकिन इनके कौन कौन से एटीट्यूड्स हैं, आखिरकार क्या इनके इमोशंस हैं जो इस चैप्टर में हमें देखने को मिले हैं और उनके माध्यम से हम क्या कह सकते हैं कि ये इंसान अच्छा है, ये इंसान बुरा है, ये इंसान एंथुजियास्टिक है, ये इंसान एम्बिशियस है, ये इंसान कंपैशनेट है, कैसे? आइए बात करते हैं उन चीजों पर। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपके जस्ट सामने लेकर के आया हूं, आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा, आपको आंसर लिखते समय बहुत हेल्प होने वाली है। पेडलर, सबसे पहले बात करते हैं पेडलर की, जिसे हम वेगाबॉन्ड बोल रहे हैं, जिसे हम रेड ट्रैप सेलर बोल रहे हैं, जिसे हम ट्रैम्प बोल रहे हैं, अलग अलग नामों से उसे संबोधित किया गया है अलग अलग जगह। हालांकि ये सारे सिनोनिम आप याद रखेंगे क्योंकि कहीं पर भी आपसे वोकैबुलरी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया तो आप आंसर दे पाएंगे। अब पेडलर को बोला जा रहा है पुअर है और हंग्री है, सही बात है भाई साहब, पैसा नहीं उसके पास, हंग्री तो रहेगा ही रहेगा, फिलोसॉफिकल माइंड है इसका, है ना, दार्शनिक विचारधारा है। क्यों दार्शनिक विचारधारा है आगे हम जान रहे होंगे, क्योंकि पूरे के पूरे संसार को एक रैट ट्रैप की तरीके मानने लग जाता है और यही इंसान रैट ट्रैप सेलर भी है। ये तो हो गया पेडलर के बारे में। आयरन मास्टर कैसा इंसान है? आयरन मास्टर एंबिशियस है। क्यों एंबिशियस है? एंबिशियस इसलिए है, महत्वाकांक्षी इसलिए है क्योंकि वो चाहता है कि उसका कोयला हर जगह जाए और उसकी कोयले की जो क्वालिटी है वो सबसे ज्यादा सर्वोत्तम रहे, इसीलिए वो दिन में रात में इंस्पेक्शन के लिए चला आता है अपनी आयरन मिल में। साथ के साथ ये हार्ड वर्किंग है, दिन रात में आ रहा है इसका मतलब हार्ड वर्किंग है और शॉर्ट टेंपर्ड है। इसका भी आपको एग्जांपल मिल जाता है जब वो एकदम से गुस्सा आ जाता है कि अरे तुम तो नहीं हो जो मैंने सोचा था, शॉर्ट टेंपर्ड है, साथ के साथ रेकलेस है, जल्दबाज है, है ना, चीजों में कॉशन नहीं करता है, सावधानी पूर्वक नहीं करता है, ऐसा लगा कि अरे ये तो मेरा दोस्त है, भले वो नहीं था, उससे ढंग से बात भी नहीं की और कहते नहीं नहीं घर चलो, तो रेकलेस है। अब बात करेंगे एडला विलमैनसन की जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके अंदर सारी पॉजिटिव खूबियां भरी हुई है, जैसे कि एक गुड होस्ट है जिसको घर पर बुलाया है, उनका अच्छी तरीके से स्वागत सत्कार किया है, साथ के साथ ही कंपैशनेट है, ये उस रैट ट्रैप की भावनाओं को, रैट ट्रैप सेलर की भावनाओं को समझ पा रहे हैं कि हर जगह भागता फिरता होगा बेचारा, हर जगह परेशान रहता होगा, उसको अपने घर पर पनाह दी जा रही है, अपने पापा से लड़ा जा रहा है कि नहीं पापा इसको रहने देते हैं। साथ के साथ ही परसिवेसिव है, लोगों को मनाने की इनके अंदर क्षमता है। आयरन मास्टर नहीं मना पाए पेडलर को, रेड ट्रैप सेलर को, लेकिन ये लड़की जाकर के मना करके आ जाती है और घर भी ले आती है रेड ट्रैप सेलर को। साथ के साथ ही अंडरस्टैंडिंग पर्सन है, लोगों को समझने की कोशिश करती है। अब क्राफ्टर, क्राफ्टर भी एक चीज, क्राफ्टर और एडला विलमैनसन में कॉमन है, दोनों के दोनों अच्छे होस्ट है, गुड होस्ट, गुड होस्ट, लेकिन इसे क्राफ्टर में थोड़ा सा बोस्टफुल है, बताने लगता है पता है मेरे पास बॉसी है, बॉसी उस गाय को बोला जा रहा है जो बहुत दूध देती है, अलग गायों से, सामान्य गायों से ज्यादा दूध देती है ताकि उससे काफी सारी क्रीमरी निकाली जा सके, वो बताया था पता 30-30 क्रोनर्स मिले थे मुझे पिछले महीने। साथ के साथ ये लोनली है, बेचारा अकेला है क्योंकि घर पे इसके कोई भी नहीं है। ये आपने इन सभी के कैरेक्टरिस्टिक्स को देख लिया, अब हम स्टोरी को देखते हैं एक फ्लो में। आइए तो स्टोरी भाई साहब शुरू कैसे होगी? शुरू होगी भैया बेच रहा है इधर उधर, और ये जो आदमी कैसे कैसे पेडलर मेड हिज बोथ एंड्स मीट बाय, भैया कैसे वो अपने पेट का भरण पोषण कर रहा है दो काम करके, एक तो भैया वो रैट ट्रैप बेच रहा है और दूसरा वो इन्वॉल्व है छोटी मोटी चोरियों में। अब रैट ट्रैप बेचने के लिए सामान कहां से आ रहा है? अड़ोस पड़ोस के स्टोर से आ रहा है। हालांकि पहले के समय में ये क्वेश्चन पूछा गया तब नहीं पूछा जाएगा क्योंकि हल्का क्वेश्चन है। अब ये संसार के बारे में सोचता है कि भैया ये संसार एक रैट ट्रैप, और अम्यूज्ड हो जाता है यानी कि सोच करके बड़ा खुश हो जाता है। क्यों आखिरकार ये संसार को रैट ट्रैप की तरीके सोच करके खुश हो रहा है? क्योंकि इस संसार में ऐसा कोई भी नहीं जो उसको रिस्पेक्ट करे, सब हर कोई इसको शंस हिम अवे, हर कोई इसको दुर्भागा है, हट जाए यहां से मत आओ, इसलिए इसके मन में कोई किसी के लिए कंपैशनेट वाली भावना भी नहीं है। अब ये आपके पास जो वाकिया मैं लेकर के आया हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं यहां पर एक स्टार भी बना देता हूं बच्चे।
इससे रिलेटेड कई बार प्रीवियस ईयर पेपर में क्वेश्चन पूछे गए, कम से कम 13-14। अगर तुमने देखा होगा मेरा सेशन तो तुमने देखा होगा 13-14 क्वेश्चन सेम इतने में से ही पूछ लिए गए। आइए, तो भैया पेडलर घर रोज किसी ना किसी घर पर रुकता है, भैया आज देखता है कि भैया सड़क के किनारे एक ग्रे कॉटेज है, जाकर के खटखटाता है, तो भैया पेडलर शॉर्ट यानी कि चाहता है कि उसको शेल्टर मिल जाए। और भाई साहब अच्छा तो ये हो गया कि क्रॉफ्टर ने बाकी जहां पर भी हो जाता था भाग जाए ऐसे ये कर दो, लेकिन ये प्यार से उसको एंट्री देता है कि अरे आओ, साथ के साथ उसको डिनर भी देता है और उसके साथ मुजोलिस खेलता है और इवन इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो जाता है क्रॉफ्टर, इतना ज्यादा उसमें अपने आप को मतलब बातें करने लग जाता है क्योंकि वो लोनली था कि उसको अपने कॉन्फिडेंसेस बता देता है, ये भी बता देता है उसकी इनकम क्या है, साथ के साथ बता देता है रखता कहां पर है, पाउच में खोल के दिखा देता है 30 क्रोनर्स। और अगली सुबह भैया पेडलर क्या कर लेता है, उन्हीं 30 क्रोनर्स को चोरी कर लेता है। अब चोरी तो कर लिया लेकिन अब ये भाग जाएगा किसी और रास्ते, टुक द बैक रोड टू अवॉइड पीपल एंड गॉट लॉस्ट इन फॉरेस्ट। ये चाहता है कि भैया मेन रोड से ना जाए, पुलिस ना पकड़ ले, लोग ना पकड़ ले, इसलिए भैया रास्ता ले लेता है फॉरेस्ट का। और अब इसको ऐसा लगता है कि खुद ही राइट ट्रैप पे फंस गया है और जो पैसा है वो इसके लिए बेट का काम कर रहा है, बेट का मतलब तुम समझते हो ना, चारे का काम कर रहा है। अब ये परेशान है लेकिन तभी उसको पता चलता है कि भैया आसपास में थम थप की आवाज आ रही, इसका मतलब पास में कोई आयरन मिल है, वहां ये पहुंच जाता है। फाइनली रीच रैम्जो आयरन मिल्स, जहां पर ब्लैक स्मिथ और उसका असिस्टेंट इसको इग्नोर कर देता है, लेकिन वहीं पर जो आयरन मास्टर आता है और देखता है कि यार ये तो कोई इंसान है, उसके सर से टोपी ओपी हटाता है, देखता है अरे तुम तो मेरे जान पहचान के, उससे कहता है कि मेरे घर चलो, लेकिन जो पेडलर है उसको बताता भी नहीं कि भैया मैं वो नहीं हूं जो तुम समझ रहे हो, उसको लगा कि कुछ पैसा मिल जाएगा, होपिंग टू गेट सम मनी। अब करता क्या है भैया, आयरन मास्टर उसको इन्वाइट करता है कि भैया घर चलो, लेकिन ये कहता नहीं मैं घर नहीं आऊंगा। तो आयरन मास्टर क्या करता है, अपनी लड़की एडला को भेज देता है, एडला उसको परसुएट करके ले भी आती है। अब उसके बाद पेडलर को भैया स्क्रब किया जाता है, नहलाया जाता है, धुलाया जाता है, हेयर कट शेविंग, और उसको कपड़े भी दिए जाते हैं किसके, आयरन मास्टर के। और उसके बाद जब वो बन ठन करके आता है तब उसकी सच्चाई खुल जाती है, आयरन मास्टर जान जाता है कि तो वो नहीं जो मैं समझ रहा था। अब एडला कन्विंस करती है और बल्कि ये जो आयरन मास्टर उसको धमकी देता है, मैं कैप्टन को बुला लूंगा, जल्दी से रफा दफा हो जाए यहां से, उसी समय एडला कन्विंस करती है अपने पापा को कि पापा इसको रहने दो, हम ही लोग इसको यहां पर बुला करके लाए हैं ना, इसको भी हक है, इस गरीब आदमी को भी हक है कि अपनी जिंदगी का एक दिन, एक साल का एक दिन ही अच्छे से बिता सके। और उसके बाद ये पूरा का पूरा दिन कैसे बिताता है, पूरा का पूरा दिन खा करके और सो करके बिताता है। और अगली सुबह नेक्स्ट मॉर्निंग जब ये लोग चर्च चले जाते हैं, एडला और आयरन मास्टर, उन्हें पता चलता है कि यार उनके यहां काम करने वाला एक क्रॉफ्टर जो पहले काम किया करता था उसके 30 क्रोनर चोरी हो गए हैं, और वो चोरी किसी और ने नहीं बल्कि उसी रैट ट्रैप सेलर ने की है जो उनके घर पर है इस समय। वो लोग बहुत तेजी से लहियन पे अपने घर की तरफ भागते हैं और आते ही आते भाई अपने सर्वेंट से पूछते हैं क्या उसने कुछ चुराया नहीं चुराया, तो सर्वेंट बताता नहीं उसने कुछ चुराया तो नहीं, बल्कि वो एडला जी के लिए गिफ्ट देकर के गया। क्या गिफ्ट देकर के गया, एक तो वो लेटर लिख करके गया और उस लेटर पर उसने नाम क्या लिखा है, उस लेटर पर नाम लिखा है कैप्टन वॉन स्टेल। साथ के साथ भैया उसने एक रैट ट्रैप गिफ्ट किया है जिसमें वही 30 क्रोनर्स लगे हुए हैं, यानी कि वही रैट ट्रैप उसने गिफ्ट कर दिया और उसने थैंक किया किसको, एडला को, कि तुमने मेरी मदद की, मुझे जंजाल से निकाल दिया, मैं जिस रैट ट्रैप में फंसने वाला था उस रैट ट्रैप से तुमने निकाल लिया और मेरी मदद की। इस तरीके से ये कहानी खत्म होती है एंड आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये फ्लो चार्ट एक्सप्लेनेशन, अच्छा लगा होगा। और अगर आपको अच्छा लगा है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना कि आपको किस तरीके से हेल्प हुई इस सेशन के माध्यम से। और आप सभी को भगवान खुश रखे, गॉड ब्लेस यू। किसी को भी कोई डाउट है, कोई समस्या है तो आप लोग मेरी ईमेल आईडी aditya.tiwari@adda247.com पर ईमेल करके अपनी क्वेरी मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आप किसी भी बैच में एनरोल करना चाहते हैं adda247 के, तो आप मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए कोड यूज कर सकते हैं S743। राइट, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद। इसी तरीके से और भी अच्छे सेशन लाता रहूंगा, बस उम्मीद करता हूं कि आप लोग कमेंट जरूर करेंगे। जय हिंद।